पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठतम नेता अटल बिहारी वाजपेयी की ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूटीन चेकअप के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को सोमवार को एम्स लाया गया था, जहां पर उनका डायलिसिस किया गया। आज उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। बुलेटिन में बताया गया कि आज उनके डिस्चार्ज होने की संभावना कम है। मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए एम्स के डॉक्टर ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत स्थिर है, उन्हें एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं और वे इलाज के दौरान प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जब तक इन्फेक्शन नियंत्रित नहीं कर लिया जाता तब तक वे अस्पताल में भर्ती रहेंगे। डायलिसिस होने के बाद यूरिन भी पास हुआ, हालांकि अभी भी उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को एम्स से छुट्टी मिलने के आसार कम है। वहीं कृत्रिम श्वास सपोर्ट को फिलहाल हटा लिया गया है। सोमवार को अस्पताल में उनसे मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता पहुंचे थे। सोमवार रात को जारी हेल्थ बुलेटिन में कहा गया था कि पूर्व पीएम वाजपेयी को किडनी संबंधी शिकायत के बाद एम्स लाया गया था, जिसके बाद जांच में यूरिन इन्फेक्शन का पता चला था। डॉक्टरों की टीम के निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स में सोमवार की सुबह ही गहमा गहमी बढ़ गई थी, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भर्ती कराया गया था। तभी यह खबर आई थी कि उनको रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है, लेकिन शाम होते होते ये खबर आई कि उनकी तबीयत तो स्थिर है, लेकिन सोमवार की रात को उनको अस्पताल में ही रखा जाएगा।